You want to say something? Myself, Kuldeep Kaur from Kalkadmi Dhinsa. Welcome to here, sir. Vipin, sir. Today we will start this primary workshop. I hope ki we will learn each and everything from the sir. Sir, I hope you will guide to us. Correct. First of all, thank you very much for the nice tea. I will not be using any PPT and I will not be showing any video. Total organic. Organic means bina केमिकल फर्टिलाइजर केंचुआ खाद वाली फसल उगानी आ जा पाए. तो आई रिक्वेस्ट वन ऑफ द मदर टीचर्स हियर प्लीज जॉइन मी. एक गल बड़ी क्लियर है, आई वॉन्ट बी आस्किंग एनी क्वेश्चन टू एनी बॉडी, रादर यू विल बी आस्किंग बट वी विल बी डिस्कसिंग. दिस इज काइंड ऑफ ए वर्कशॉप विद डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी, यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. हेलो एवरीबडी, आई एम फ्रॉम अकाल अकेडमी कमालपुर. माई नेम इज हरप्रीत कौर and I am taking grade 1 there as a mother teacher. I am having all subjects of grade 1. ek ta appreciate kariya karo jab tusi aaoge baki taaliyan hi bajaoge. thank you. nahi nahi thank you nahi, ruko hale. have you ever seen ma'am whenever main mera ek ladka padhaya Tegh Rawab tops in aims, to main badiyan badka mariyan. Tegh Rawab is my student. He tops in AIIMS from Guru Nanak Foundation School, Patiala. Then one of my student, Ruchi Jindal, she tops in medical, CBSC PMT. Varun Jindal from DAV tops in engineering, IIT. I have given 7 times the first rank in India. That is why Babaji has kidnapped me in 2010-12. Akal Academy Reet Khadi project. Main bada mera padhaya. Mere padhaye fail bhi bade hue hain. Vai Guruji bahut fail hue hain. लेकिन असी की करते जो कोई बच्चा टॉप करता है उन्होंने बर्फी खवाते हुए बड़ा सारा पोस्टर बार लगाते हैं, अखबार दें कि इस स्कूल का बच्चा टीचर है, क्रेडिट ले रहा है ना. इतने आ जाओ, ठीक है ना, ले रहे हैं ना. वो बच्चा द स्टूडेंट हु इज कम टू मी इन 10+1, 10+2 is writing sin 2a to sin a cos a to tangent upon 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a. He is writing so many things in physics, chemistry and all. How he is writing, how he is speaking. Okay, how he is writing, how he is speaking. Math nahi sikhaya, bolo main sikhaya. रब का देन तुसी दे सकते हो, तुहाडा देन कोई नहीं दे सकता. बिग राउंड ऑफ अपलास फॉर द मदर टीचर्स. ये जड़िया मदर टीचर्स ने, मदर नहीं हुंदियां, ये किसी की भूआ है, किसी की मासी है, किसी की चाची है. इन्होंने बच्चा आके कभी कहेगा ही नहीं मैम. कोई कोई बच्चा इन्होंने कहेगा ही नहीं मैम, तो कोई कहेंदा ही नहीं. दे नो द होल स्टोरीज ऑफ एवरी हाउस. यस सर नो. कहीं तो छोटे बच्चे कहते हैं कि मैं जो बहुत वड्डा हो जाएगा मैं ब्याह भी मैडम नाल ही करावांगा. सर बहुत बहुत धन्यवाद. तुसी असली देश दी फाउंडेशन हो. ये मेरी एक प्रेयर होंगी है हर जगह. सो दैट्स इट. वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी का. हैव अ सीट. सो डियर टीचर्स, दुनिया च सब तो टफ क्वेश्चन का आंसर की है वाहगुरु जी? सच, सच्चाई. टू बी ऑनेस्ट, मेरे नाल बोलो एक्सप्लेनेशन. ब्रेकफास्ट किया कि नहीं? आप पंजाबी बंदे, मैंने एक्चुअली इन्नी वर्कशॉप्स पंजाब तो बाहर की हैं, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एंड आई एम रियली you know, fed up speaking English and Hindi. If you allow me, can I speak my mother tongue? जब मैं अपनी धरती पर आके अपनी माँ बोली बोली लानत है मेरे ते. Will you allow me, sir? So, मैं थोड़ी गरंटी देने कही तो उड़ा आड़ा भी नहीं पूरा आंदा लिखना. मैं आंदा क्योंकि मैं हूँ ही एक अकाल अकैडमी गया से थे गुरुद्वारा साहब नहीं उ 35 लिख देने. दैट इज इन डिस्ट्रिक्ट बठिंडा मानसा.
पाई यस तो इस करके मैंने बोर्ड पर जाके नकल मारन की लोड़ नहीं पाई। राजविंदर मैम इज प्रिंसिपल देयर, राजविंदर मैम, राजविंदर टॉल स्पोर्ट्स लेडी, एंड आई मेट वन ऑफ द यंगेस्ट प्रिंसिपल डे बिफोर यस्टरडे सांगा सरदूलगढ़। आई सेड बेटा तुहाडे प्रिंसिपल कितने, कहते जी आई एम प्रिंसिपल। सो रियली इट्स अमेजिंग। विल डियर टीचर्स विल यू स्पीक विद मी वन लाइन, एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फेलुअर is always an excuse. Agreed? जो मर्जी व्याख्या करते जाओ वो बहाना ही है। एंड एक मेरे नाल लाइन बोलोगे, अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। तो वेन यू आर लर्निंग यू आर अ स्टूडेंट। तो साडे गुरु महाराज ने ताई कहा तू सिख बन, मीन्स लर्नर। एंड जो असी लर्न कर रहे हैं तो असी स्टूडेंट हैं, जो तो करवा रहे हैं तो असी विद्यार्थी हैं। और साढ़े अंदर ही एक साढ़े हर अध्यापक के अंदर ही एक विद्यार्थी छुपया होंदा। जो तो असी क्लास के जाके पढ़ाते हैं दरअसल असी अपने अंदर के विद्यार्थी पढ़ा रहे होंगे। जो तो साढ़े अंदर का विद्यार्थी बाहर के विद्यार्थी के नाल मैच कर जाता, अनुनाद हो जाता, रेजोनेंस हो जाती है, we are a good teacher, otherwise we are not a good teacher. How many people agree to this? Gajab, great. Hun jadon notice aaya hona ki there will be a workshop, tusi sare kehnde hone fir panga pe gaya, bada boring hunda hai, lagta nahi reha. Balki rather I requested ma'am if I get some students to can join us, because स्टूडेंट्स नाल एक माहौल होर बड़े। यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे आई हैड ऑल 10th एंड 9th विद मी, तो इट वॉज रियली अमेजिंग। नाउ मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस छोटे बच्चों को पढ़ाउंदा नहीं है। ओके तो मैं एक्चुअली अपने ही आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एस्पायर IIT मेडिकल शिमला हमीरपुर। So I had taught 30 plus years in Patiala. Then mainu pahad acche lage, main chala gaya. But us to baad I started doing workshops. This was from Cordova. Otherwise I do my own workshops, but my 90% workshops are with the students. And maximum I have done a session with 3,700 students, and all my workshops are recorded and on the YouTube without any music, without any thumbnail. So it's all organic. तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाउंदा छोटे बच्चों को, थोड़े नालों घट है। बट मैं कुछ एज अ पेरेंट एज अ टीचर बहुत कुछ ऑबजर्व किया लाइफ के, जो मैं बहुत कुछ ऑबजर्व किया वाहगुरु जी क्या आप इन सरका के मैं आप ही कर लगा। जब मैं बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है तो मैं एक चीज़ नोट की है कि बच्चे जड़े ने वो प्रैक्टिकल चीज़ों तो बहुत सीखते हैं। बच्चे प्रैक्टिकल चीज़ों तो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। थोरेटिकल उन्होंने तो कुछ भी इंटरैक्ट करके समझाओगे तो परहैप्स दे डोंट फील कंफर्टेबल। मोमेंट यू डू समथिंग प्रैक्टिकली, यू एक्सप्लेन प्रैक्टिकली, they get more better understanding. For example, in this room, if I am there, I see there is a paraglider, there is a rocket, there is a helicopter, there is a Boeing, there is a ship, there is a yacht, there is a hot air balloon, and so on. So, then tank, then tractor, then three-wheeler, motorcycle, and then you have got a jeep, then you've got a truck, and school bus and a car. You know, this shows the practicality. Meri beti, very fond of chocolates, right? What she did, you know, ration de vichon usne shampoo kadya, onu mug de vich kholya, gamle di mitti vich pai, oda ik alag hi usne experiment karna shuru karta. To mainu, main dekh rahi si, तो मैं वो कोल जाके
एक चॉकलेट रखता है उन्हें भी नहीं ध्यान देता है। आई ट्राई टू ऑब्जर्व हर, शी वॉज टोटली लॉस्ट इन डूइंग दैट एक्टिविटी। द चॉकलेट वॉज द मोस्ट फेवरेट ऑफ यंग किड्स बट शी इग्नोर्ड। इट मीन्स दैट द स्टूडेंट्स यंग किड्स यू नो जस्ट अ 7-month-old, 8-month-old बेबी, इफ यू जस्ट प्लेस अ टैब और ए मोबाइल, उन्हें पता दिस इज यूट्यूब, दिस इज फेसबुक, दिस इज इंस्टाग्राम, एम आई राइट, दिस इज कार्टून, दे आर एबल टू सर्च दैट। यू आर गोइंग टू हैंडल दैट किड व्हेन द किड विल बी 5-year-old विद यू। हाउ स्मार्ट द किड इज, कुछ समझ आ रहा है? जिहड़ी जनरेशन अपने कोल आ रही है उहदे विच जिहड़ी आपां रे पा रहे हैं, खाद पा रहे हैं, किहड़ी है? टेक्नोलॉजी। मां की करती है, कार्टून लगा के बच्चे नूं खाना खवाई जांदी है, फिर वो कार्टून ही देखता रहिंदा। वह कहिंदे इसी बहाने रोटी तो खा ली ने। हुण उसकी लैंग्वेज भी कार्टून वाली होएगी, उसकी डिवेलपमेंट भी कार्टून वाली होएगी, कोई बुराई नहीं है। सानू की है, साढ़े उत्ते तुसी इनू मोबाइल क्यों दे रहे हो, तुसी इसनू है क्यों दे रहे हो, बच्चा बिगड़ जाएगा। जो तो मोबाइल नहीं सी उदों नहीं बिगड़ते सी बच्चे, जिन्हें बिगड़ना है तो उन्हें बिगड़ ही जाना है। दैट इज़ द कंडीशनिंग। मैं नोट क्वाइट करता जाना, इफेक्टिव टीचिंग दे विचों डिस्कस करांगा। पहला 1 hour वी विल बी डिस्कसिंग द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो आई ट्राई टू ऑब्जर्व द यंग किड्स, तुसी भी किता ही होना। देर वॉज ए मैडम मॉन्टेसरी, कभी नाम सुने तुसी? नाम सुने मॉन्टेसरी? ये ना अपने मैडम कपड़ा दो, कपड़ा जो असी पढ़ते स्कूल से असी करो तकीए वाला डस्टर लैके जाते जी, मैं कपड़ा दो जी, ये तो बसदा नहीं है। हाँ जी गिला कर कर लो भी वधिया। सी देयर वॉज मैडम मॉन्टेसरी, तुसी कभी सुने होना मॉन्टेसरी स्कूल्स? कोई दसेगा की होंदे ने? सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। हाँ जी, नो 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 ना ना ना, मॉन्टेसरी इज नॉट ए क्रिश्चियन स्कूल। ओके, इटली का नाम सुने? इटली देश, वेरी गुड। इटली की पहली डॉक्टर सीगी डॉक्टर मॉन्टेसरी, लेडी डॉक्टर। उहदा बच्चा 3.5 साल का पढ़ता सी, ते शी वॉज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। शी ऑब्जर्व दैट यंग किड्स डोंट लाइक पेन, पेंसिल, पेपर, दे लाइक टॉयज। ओके, तुसी कभी अक्सर अपने पंजाब च एंटर करते हैं ना, इधर साइड जाइए मालवा इंटीरियर धनौला एक जगह होंगी है, उत्थे बाहर ना मैं सब तो पहले छोटे हुंदे बचपन तो ट्रैक्टर पे होंगे, छोटे छोटे ट्रैक्टर ट्रक, तो मैं अपने फादर कहता मैं तो लैके ही जाना है। दैन फतेहगढ़ साहब मेला लगता सी, बरास मेला लगता सी, एक गढ़ीरना जहा हुंदा सी, उन्हों रस्सी बन्नी हुंदी सी, उन्हों असी खिचदे सी, वो ऐ बजाउंदा सी टक 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 टक, या एक लोहे का छोटा जा उन्हों ऐ दब्बा डड्डू टक टक टक, असी स्कूल च बजाई जांदा सी क्लास च। असी टैक्निकल चीज़ वल बहुत जल्दी अट्रैक्ट हुंदे आ, एम आई राइट? टैक्निकल चीज़ नूं असी देख के बहुत अट्रैक्ट हुंदे आ। हुण जे मैं तुहानू किसी नूं कहां भी आपां एक वर्कशॉप करदे आ ऑनलाइन, कहीं तो कैमरा बंद करके किचन च बैठे होणगे, म्यूट करके, फिर वो कहणगे मैडम गुरवीन तुसी हैगे हो? 2 मिनट बाद गुरवीन मैम की आवाज़ आती, हाँ जी मैम मैं हैगे, नैटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, इस करके ना मैं कैमरा बंद किया हुआ। एक्सक्यूज,
जो तक साड़ी लाइव इंटरैक्शन नहीं होंगी, असं एक दूजे को नहीं देखते दे, तो शायद उस तरह का ऑरा नहीं आता पढ़ाउन दे विच भी मीटिंग च भी। एम आई राइट? तुसी लख गूगल मीट कर लो, जूम मीट कर लो, बाद च कहेंगे जी बाकी गलबात आप बह के करांगे फेस टू फेस। सेम इज़ द केस विद किड्स। छोटे बच्चों प्रैक्टिकलिटी चीज़ चाहिए है। मैं बहुत नलायक है, मैं थोन दसा मेरे को पैसे नहीं, मैं मोंटेसरी तो बन नहीं सकता। तो मोंटेसरी ने की किया, एक पीपा ले लिया, पीपा सुनहरी धीर डालडा नहीं हुंदा, ओके उहदे च एक गोला करता, एक पैलोग्राम बनाती, एक रेक्टेंगल बनाती, एक ट्रायंगल बनाती, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती। इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाउ इट इज नॉट दैट पीपा दैट गैजेट्स। तो मोंटेसरी मैडम मोंटेसरी शी वॉज ए डॉक्टर, शी वॉज अ डॉक्टर, द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ इटली। जस्ट फॉर हर किड शी हैज डिजाइन एंड द किड नोज बेटर देन अदर किड्स, वो तो पिकअप बहुत वधिया हो गया। उस बाद हैदराबाद दे विच पोलैंड दे एम्बेसडर दी वाइफ, शी वॉज अ जू रशियन, तो उन्हें एक फैक्ट्री लगा ली इंडिया दे विच मोंटेसरी टॉयस। उस स्कूलों दे विच मोंटेसरी टॉयस थ्रू पढ़ाया जाता है, लोग बड़े खुश होते हैं। तो दैट इज़ द मोंटेसरी सिस्टम। So you got to know this. How is it? It's information. Hun, thun mere naal ik line bologe. One. Learns through one's own observation. Correct. Vaheguru ji, pani pinda rahunga vich vich, thonu kasht de reha. Jal seva zaruri. Main na inne paise ta hunde nahi, lakh rupaye da samaan le. तो मैं क्या, चलो टीचर वाले एक चप्पल लेके चल रहे हैं। कि चप्पल तुम पसंद है? चप्पल इस तो बेस्ट कोई है ही नहीं चीज़, पैर भी कंफर्टेबल रहता है। मैं जी, मेरा एक्चुअली बहुत सारा समान रह गया कित दूजे स्कूल दे विच थैला, मैं चप्पल वाले आया जी, थोड़े लिए एक चप्पल है, मेरे लिए भी ये चप्पल सी। अज तो बाद मेरी ये एक बहुत वड्डी मतलब अचीवमेंट है। हुण मैं छोटे बच्चे नू ए, क्योंकि पैर च नहीं पई तो इस करके ये पढ़ाउन दी चीज़ इन्हें टेबल तक रख सकते। मैं छोटे बच्चे नू कहा, मैं क्या की है? कहते दिस इज ट्रायंगल, हेयर इज़ द ट्रायंगल। ये पटियाले फेमिना मोची तो रात नू मैं 8 बजे जाके स्पेशल कटा के ले आया। दिस इज अ ट्रायंगल। विच ट्रायंगल इट इज? राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल की बनया 90। हुण आपां इहनूं इत्थे रख दिंदे आ। दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट? इहनूं आपां इत्थे रख दिंदे आ। एंड दिस इज हेक्सागन, इहनूं आपां इत्थे रख दिंदे आ। 70 रुपए की चप्पल सी। मोची कहिंदा, सर तुसीं 6-7 हज़ार बच्चों नूं फ्री पढ़ा, आई एम टेकिंग फ्री क्लासिस। तो कहिंदा मैं पैसे नहीं लैने। उहने बेचारे ने मैनूं फ्री ही कट के दत्ती। आई एन स्पेंड 30 मिनट्स ऑन इट। हुन छोटे बच्चे कहने, दिस इज अ सर्कल, राइट? दिस इज अ स्क्वायर, राइट? ऑल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट? दिस इज अ स्क्वायर। मैं क्या भारत के इतिहास च पहली बार चप्पल का इस तरह का यूज देख रहे? अपना तालियां तो मार दो यार, तुम जल दे। दिस इज वॉट a triangle, equilateral triangle, you got it? hun a sara saman rakh ke chote je bacche nu assi sade ch ik plus point hai, assi parents bhi hai, so this is in workshop not for the teachers as well as the parents in you. jinna vyah nahi hoya koi bhua hai ya koi chacha hai to oh bhatije waste eh adha ghanta roz na bacche ikatthe kar laya karo, बच्चे इकट्ठे करके ना उन्होंने खेडिया करो, एक तो बुढ़े नहीं होंगे।
ਮੈਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ, ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਮੈਂ ਦਲੀਪ ਸਰ ਨਾਲ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਚੁਗਲੀ ਰਸ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਦੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚੱਪਲ ਹੈ ਮੈਮ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਕੜਾ ਦਿਓ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਏਗਾ, ਯੇ ਇਸਮੇ ਆਏਗਾ, ਯੇ ਆਏਗਾ, ਯੇ ਯੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੈਕਟ। ਇਸਮੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਸੋਚੇਗਾ ਯੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸਡ ਦੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਦਿਸ ਆ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਮਰੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਮਰੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਮਰੀ ਮੀਨਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਗੂਗਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਗੀ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਲੀਪ ਸਰ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਲੀਪ ਸਰ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋ। ਲੌਜਿਕ ਕਿਆ, ਵੀ ਵਰ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੂਗਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਔਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਓ ਡੀਅਰ ਟੀਚਰਸ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਸਫੀਅਰ ਲਾਈਕ, ਖਰਬੂਜਾ ਸਫੀਅਰ ਲਾਈਕ, ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਸਫੀਅਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਸਫੀਅਰ ਗੋਲਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਬਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਫੀਅਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਗੋਲਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਮਾਰੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਹੀ ਸਫੀਅਰ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਟ੍ਰੈਂਗੂਲਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੀ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਇਟ ਟ੍ਰੈਂਗੂਲ, ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਜ਼ ਹੈਮੀ ਸਫੈਰੀਕਲ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥਰੂ ਸ਼ੇਪਸ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਯੂਅਰ ਓਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਯੂਅਰ ਓਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਥਿੰਗਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 50-60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਦਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਟੀਚਰਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਟੀਚ ਯੰਗ ਕਿਡਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਨਸੈਪਟ 'ਤੇ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ PPT ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਰਾਈਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਫੈਡ ਅਪ ਵਿਦ ਦਿਸ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ।
फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप इंट्रोड्यूस करो अपने वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी की फतेह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ हरसिमरन कौर, आई एम फ्रॉम अकाल अकेडमी ढींसा एंड दिस कंसेप्ट इज़ वेरी गुड फॉर द स्मॉल किड्स बिकॉज वी ऑल नो दैट फ्रॉम देयर बर्थ और जो भी वो अपना स्टार्ट करते हैं प्ले करना, दे प्ले विद दिस टाइप ऑफ शेप्स। मदर्स भी घर दे विच व्हेन दे गिव दैम द टॉयज दे जस्ट डू दीज थिंग्स, दे ओपन दैम, दे देन रीशफल दैम एंड देन अरेंज दैम। सो दिस इज़ वेरी गुड कंसेप्ट टू टीच दैम द शेप्स और वी कैन यूज इट इन अवर क्लासरूम्स ऑल्सो। थैंक यू। पहले ओवर दे विच छे बॉलां ते छे छक्के मारते, इट्स गुड। इक्को जानी ताली मार दी, बाकी दा कहंदा रहन दो। हट जा करियो, डरदी को? नो नो, यू स्टार्टेड विद इंग्लिश, then I will also first speak in English. Let me tell you one thing. Have you ever come across this kind of concept from, before today? Have you ever thought like this? Yes sir, in our maths lab, we also use these shapes, triangle, square, circle, 2D shapes to teach in second grade, third grade also. And in third grade or second grade, they come across 3D shapes also, and we use it. You know, this is created thought concept by me. ये तो मैंने कोई मतलब मेरे लिए तो लाख रुपए दा है। जब तो ऐसी कुछ चीज़ नू खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद डेवलप करते हैं, खुद बनाते हैं, तो उधर एक अलग ही मज़ा है ना? Yes. Creativity, है ना? Have you ever ट्राइड एट होम जाके कि कल नू मैं बच्चों नू कुछ ऐ जी नवी चीज क्रिएट करके दवा जिस च बच्चे, क्या नाम है तुहाडा? हरसिमरन मैडम दी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले थले। कदी आया दिमाग च? Yes sir, we have used grids of multiples factors that we make with the paper sheet. Okay. To explain them what is the difference between the multiples and factors in fifth grade. Okay, okay. Fifth grade. Yes. That's very good. That's really good. Je koi taaliyan nahi bajayega that means jealous of her. Jalna nahi hai yaar, theek hai? The best part is that she has come, she's speaking and she's trying to explain the concept, right? And if you are going to phale vidya chandan hoye, je assi apne vicharan nu ik dooje naal share karange, sanjha karange, o agge 10 nu dassega. Ohi vidya hai tai sade matlab Punjab school sikhya board da slogan hai phale vidya chandan hoye. Ta main ik nu puchhe kyun, kehnda vi phale vidya chandan hoye, jehde fail hoel honge o hor student badange. फेल हो ही जाओ विद्या का चानन होएगा। नहीं नहीं, फैले मीन्स नॉलेज स्प्रेड इज रियल लाइट। यू गेट इट? यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? एक्चुअली पता की है, NCERT या वट एवर, वट इज द डिफरेंस बिटवीन NCERT एंड CBSE? दे सेम। मैनू बहुत सारी चीजा नहीं आंदियां, मैं कहूँगा मैनू नहीं पता जी। How many people know the difference between NCERT and CBSE? Ki dono same ne ya alag alag jathebandiyan ne? Sir, zara ho kamal hai. Pehle bhaj li taaliya. Tusi bacche baitho. Actually na bade ghat male teacher chote classes se dikhde hain. Aaj tak main mother teacher hi dekha, father teacher nahi dekha. यू शुड एप्रीशिएट, अपने लिए भी देखो। फादर टीचर मैनू नहीं कभी मिलिया, कसम खा के कह रहे हैं। और मैं इफ आई हैव टू टीच माई चाइल्ड तो मैं मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 दी वायलेट कर देना, खड़का देना, लिख ला ये नहीं होना दे। मदर कैन टीच, सो हैट्स ऑफ टू यू सर। प्लीज Okay, sir. Introduce. I'll just place it here. Okay, thank you, sir. Sir. Yes, sir. Okay, sir. My name is Mohan. I am from Akal Academy, Holy Brada. Okay, sir is saying about and what is the difference between NCERT and CBSE. So, CBSE is a board and NCERT what does? NCERT makes the curriculum and on, it works on a research. Absolutely. All the boards are under NCERT. Yes, sir. All the text syllabus, everything, curriculum is... Really amazing. Sir, you take what kind of classes?
I am taking third to fifth classes here, okay. And I have 7 years experience. 5 years I spent in Raipur Rani, okay. And 2 years from Holy Brada. सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस छोटे बच्चों को टेक्निक तुसी दस दे होवो तोड़े दिमाग चांदी होवे तो बोर्ड भी है चौक भी है सारे ऐसी हैगे मैं भी ओके आई एम ऑलवेज डू एक्टिविटी ऑन अ डिवीजन लो पढ़ो तो मैं ऐसे भी दत्तो सर जितना मर्जी ऐसे भी दत्तो नेवर डे ऑलवेज स्टूडेंट्स कंफ्यूज इन डिवीजन ऑन कोएफिशिएंट रिमाइंडर एंड हाउ टू चेक द डिवीजन So what I do and when I did this activity in a class also, principal ma'am was also there and now also I did this activity in our Holy Brada also. Okay, now what I do, students are confused how to check the division. So I like do this, like this, it is, okay, it is a, like this, haanji, like this I do, so students also do. So here it is divisor, quotient and here will be remainder, again I told them. Divisor, quotient, remainder. Divisor, okay, and बता देते हैं। जल्दी जल्दी चलो पुत्रों शाबाश 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 शाबाश। आज बेटे ओके साढ़े पिछले दिन। ओके ओके प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन फास्ट। लान के पुत्र। मैम यू विल हेल्प। So, hun tusi dhyan naal sunna sare bachiyan ne what sir is going to tell. Okay, first take your seat, then I will start again. Okay. Shiram hope, hope the workshop is tolerable. You bardasht ho rahi hai? Ho rahi hai. Bhajan nu dil ta nahi kar reha. Pehla socha si notice aaya hona ki kal workshop hai. Char kadam, do kadam agge jande si, char kadam piche aunde si. Theek hai? Main vi mudan lagya si. Mainu daant mil gayi kehnde you are late. मैं कहा जी मैं चलिया फिर मैं दलीप सर ले आए थे राइट सो बेटा सर इज़ गोइंग टू टेल यू समथिंग सर थोनू डिवीजन दे बारे कुछ दसंगे ठीक है रेडी ओके सर ऑनेस्टी देखो चेहरे पे ओके ओके स्टूडेंट्स यू ऑलवेज कंफ्यूज हाउ टू चेक द डिवीजन सो आई एम टेलिंग हाउ वी कैन डू एक्टिविटी ऑन चेकिंग ऑफ डिवीजन ओके सो यू कैन ऑल्सो वन स्टेप ओके यू कैन चेक हियर I am doing here. First we can make like this. Okay. So you can also see. So it is divisor. Divisor. Quotient. And what I will do. And here is remainder downside. And chodi chhati veeron ki. It will be dividend. Chodi chhati veeron ki. Dividend. Because chodi chhati hamesha badi hoti hai. So divisor. Quotient. First we will multiply divisor. Divisor and quotient we will multiply. After multiplying what we will do, we will add our remainder. Divisor, quotient, multiply, we will add our remainder and what will come? It will come a dividend. Dividend is always a greater number in a division. Chodi chhati, veeron ki. Like this I do. Wow, great. So sir, a concept hai na original. Theek hai na? Chodi chhati, veeron ki. Divisor, quotient, multiply, multiplication, and after that we will add remainder and it will come. It will? Come. Divisor. Yeah. Dividend will come. Chodi chhati will come. Great! Round of applause. So, pehla apa chappal te gaye, to sir ne us to baad hore de vich bornvita pa deta. Theek hai na? So, sir, thank you. Welcome, sir. Wo comfortable lag raha hai? Maza aa raha hai? Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji. Now, I just tell you something. मतलब जिहड़ी ओरिजिनल चीज़ां ने इंटरनेट तो चोरी करके कोई भी ले आए मैं कदे भी मतलब मैं 300 तो उत्ते वर्कशॉप कर चुका मेरे ख्याल मेरी ये अकाल अकैडमी इज़ माई होम माई ओन प्लेस मेरे लिए ये स्कूल नहीं है मेरे लिए एक तीर्थ है आई डू नमन टू अकाल अकैडमी मैं अकाल अकैडमी जिथे भी गया ज्यों ज्यों वक्त बीतता गया मैं उन्ना फ्रैश होंदा गया तो मैनू ढिलों मैम कहिंदे किल्ली कि सर वट इज़ द लॉजिक 4 घंटे तो तुसी लैक्चर दे रहे हो तो शाहरुख खान की फिल्म 2 घंटे 20 मिनट की होंगी जिद 40 मिनट आ
तो उस जो पूरी फिल्म च होए तो वह बर्दाश्त ना हो तो किमें बर्दाश्त करे. मैं क्या आई एम नथिंग. जिथे सिमरन होंदा ना, जिथे शब्द गायन होंदा ना, उथे संपंदन होंदा है. संपंदन समझते हो? ठेठ पंजाबी बोल रहे हैं, रेजुनेंस अनुनाद. तो उथे दी वातावरण दे विच एक पॉजिटिविटी आती है. वो पॉजिटिविटी दे नाल साडे अंदर इंडोरफिन आता है. इंडोरफिन एक ऐसा हारमोन है जिहदे नाल फीलिंग ऑफ वैल बीइंग होंदी है. जो असी फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा साहब जाते हैं, नीचे भौरा साहब के साढ़े अखा चो हंजू आंदा कि नहीं आंदा? मेरे तो आंदा जी, है ना. तो कौन एड्डी एड्डा बड़ा काम कर सकता है, एड्डी एड्डी बड़ी चीज़ वापर सकता है? तो नमन होंदा है, एनर्जी मिलती है. उस एनर्जी नू लैके असी चलते हैं, उसनी पंजाबी कहते हैं. की कहते हो, है ना. सो लेट अस बी वेरी पॉजिटिव. ए ना, दिस इज ए बेसिकली इमेजिन करो, इधर टॉप ते भी एक चौक है ना. एक ही बन गया स्क्वायर. दिस इज स्क्वायर. इनू पंजाबी पता की बोलते वर्ग. मैं नाल पंजाबी भी जरूर सीख्या करो यार. स्क्वायर वर्ग, राइट. हुण जे मैं इनू स्क्वायर कहांगा तो ये सारे एंगल्स 90 degrees ईच है, है ना. 90 degrees, 90 degrees का कोण, एंगल कोण. जे मैं थोड़ा एंगल टिल्ट करदा, दिस इज पैरलोग्राम, दिस इज पैरलोग्राम. जे मैं इदा जोड़ दिया, इफ आई डू इट लाइक दिस, वॉट इज दिस स्टूडेंट्स, वट काइंड ऑफ ट्राइंगल? ऑल साइड्स आर, तो विच ट्राइंगल इट इज? Equilateral, am I right? Agreed? मेरे पुत्र तू आ, भज के उठ के आ, शाबाश. तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, शाबाश. मेरे नाल आ जाओ, इधर थक देता नहीं. हाँ आस्ता हले, इधर आ जाओ. कम कम दे, कम दे, राइट. हुन एक ट्रायंगल है ना, इसनू तुसी चेंज करके दिखाओ. इक्विलेट्रियल, इन पता की बोलते पंजाबी च? आई होप यू डोंट माइंड इफ आई कीप ऑन ट्रांसलेटिंग इन पंजाबी आल्सो. मैं दसवीं तक पंजाबी मीडियम च पढ़िया है, तो आई लव माई मदर टंग. समवाहु त्रिभुज, जिदियाँ सारियाँ भुजावां बराबर होन. इक्विलेट्रियल ट्राइंगल. If you want to change its shape, can it change? अगर आप इसकी shape को change करना चाहो, कर सकते हो? No, it will remain equilateral, है ना? It will always remain what? Equilateral. नहीं बदलेगी ना? ठीक बोले है ना? It will not change ना? Duster. ओ कपड़े ही दे हो जी. ये काम का नहीं मैम, ये तो इन्हें होर गंदा कर देना. चलो हले चल गया काम, गिला कपड़ा बेस्ट है. सो ट्रायंगल डजंट चेंज. आपको पता आपने क्या सीखा? कि कोई ऐसा होगा वो चेंज नहीं होगा, नहीं ना. ये क्या है? इक्विलेट्रियल, है ना. दिस इज इक्विलेट्रियल. दिस इज इक्विलेट्रियल, है ना. ऑल आर इक्विलेट्रियल ट्राइंगल ना. आर यू श्योर? दिस इज ऑल्सो इक्विलेट्रियल ट्राइंगल, है ना. इफ आई डू द लाइक दिस, व्हाट इज दिस? मीडियन. दिस इज मीडियन, पता है ना, जो यहां से यहां गिरे, है ना. नाउ टेल मी, व्हाट इज दिस? ट्रेन, मेट्रो, ट्रेन, वंदे भारत, है ना, है ना. ये क्या बन गया? ब्रिज.
how many people have seen this kind of bridges? हाथ खड़ा करो, सबने देखे ट्रायंगल इक्विलेटरल नाल क्यों बने हुआ है, स्क्वायर कैन डी शेप, पैरेललोग्राम कैन डी शेप, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। जेड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो स्ट्रक्चर जेड़ा है वो सब तो ज्यादा स्टेबल है। तो थर्ड क्लास का कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग च लग रहा है। हाउ इज इट, जे तुसी बच्चों नूं प्रैक्टिकली रिलेट करो, कभी किसी बच्चे ने पूछा होवे कि भी ब्रिज के उपर इदा दा जंगला क्यों बनया है, हुण सतलुज है व्यास है ट्रेन दे विच तुसी जदों जांदे हो तुसी सड़क दे पैरेलल देखदे हो वो बने नहीं हुए। दिस इज़ वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ब्रिज डिजाइन, बिकॉज इट इज स्टेबल। आप फुटओवर ब्रिज भी देखते हैं सड़क के जीटी रोड से बने हुए हैं, जो वॉक करके परली साइड जाना है, या रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज बने हुए हैं, तो दे आर ऑल लाइक दिस। हुन एक ऑब्जरवेशन है, मैं सड़क पर जाते हुए देख ली तो मैनू किसी ने नहीं पूछा, मेरे अंदर का विद्यार्थी मैं पूछता सर, मैं क्या यस सर इदा दियाँ राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स नाल ब्रिज क्यों बनया हुआ है, मैं अपने आप में क्या चुप करो ये सर दिमाग खाई जाता है। तो मेरे अंदर के स्टूडेंट नूं मैं डांटता, अगले ही मोड़ते मेरे अंदर द टीचर की आत्मा जाग गई, यार तू टीचर है अपने बच्चे का आंसर तो कर, यार खुद ही पूछी जाता इन्ने सवाल, कोई नहीं मैं कल्ला ही है, मेरे अंदर डबल है, स्टूडेंट भी है टीचर भी है। वेन यू कन्वर्ट्स लाइक दिस, वेन यू एक्सप्लेन लाइक दिस, क्या आपको भूलेगा कभी, ये याद हो गया ना, पक्के वाला ना। वाहिगुरु जी का खालसा। इधर मेरे को, तेरा नाम क्या है? मेरे बच्चे जोर दी बोल। महरीन कौर। महरीन, मैथ्स अच्छा लगता है, सच्ची बोलना झूठ नहीं बोलना, मन तो नहीं चंगा लग रहा, तेन कैसा लगता है? ठीक लगता है। ठीक है, सब तो अच्छा मैथ्स की लगता है, जो सवाल निकल ही जाता मजा आ रहा होंगे, जो सवाल नहीं निकलते कापी सुट के सो जाइए, है ना। हाँ स्ट्रगल करते हो, तेन मैथ्स अच्छा लगता है? जो झूठ बोलेगा तो कुत्ता कट्टेगा। एक बच्चा कहता सर कौआ कटता है, अज तक दिखाओ जी कोई कौए कट्टे का केस आया। हाँ लगता चंगा लगता है सर, यस कहता टेस्टी लगता है, किवें चंगा लगता की वधिया लगता है, ये ना पुछोगे जी बस वधिया लगता है ना, कि जे मैं हुण बोलांगा भी वधिया नहीं लगता तो मैडम ने खड़का देना मैनू, के बार आगा तू इदां क्यों बोलिया सी, डरना नहीं है, चंगा लगता है सर, यस। तेरी मम्मी नूं नहीं चंगा लगता होना? लगता मेरी मम्मा नूं भी। 99% मदर्स अपने हस्बैंड्स नूं पता की कहंदियां ने, कि जी तीजी चौथे तक तो मैं पढ़ाता, अगला मैं तो मेरे है हथ खड़े, या तो तुसीं पढ़ाओ या ट्यूशन लगाओ। इत्थों ट्यूशन का बिजनेस शुरू होया, यानी कि मैथ वाले ने कोचिंग सेंटर खुलाए। Honestly speaking, you are all maths teacher. How many teachers were very good in maths when they were students? And how many teachers were not good when they were students? Main ta nahi siga ji. Main ta 35 number aa jande si na maths ch, main bada khush hunda si. Suddenly a teacher came in my life. He changed me. Kyun? Jadon vi koi vi har ik de na, थैंक यू पिंडा दे विच ना, मैं भी पिंड का ही रहने वाला, बैठो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। पिंडा दे विच ना 4 बजे चाह बनती होंगी सी पहला, तो एक ना कोई यह जहाँ अंकल जरूर आता हूँ घर चाह पीन, 4 बजे ही उन्हें आना, हाँ भाई घर हो, हाँ जी। उन्हें की करना आके जस्टिफाई करना कि मैं बड़ा नॉलेज वाला बंदा है, इधर आ भी तेरा पढ़ाई किमें चल रही है, ठीक चल, इधर आ 1094.99 घटा। हुण इहदे पता की है, कैरी करना हुंदा है तो इत्थे 9 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ठीक है ना, दिस इज 1000। तो उन्हें नहीं आना, उन्हें 2 थप्पड़े मरवा देने, नाले साड़ी ग्रैंडमदर तो पिटाई हो जानी, नाले उन्हें चाह पी जानी। ग्रैंडमदर इस करके चाह पिलाउंदे सी भी विद्यासागर आउंदा है,
तो तेनों कुछ ना कुछ नॉलेज दे के जाता है। हूँ क्यों आता विद्या सागर, वह मैं रिसर्च हाले भी करता है। हूँ तो विद्या सागर जी भी परलोक सुधार गए, ग्रैंड मदर भी हो सकता, मेरी ग्रैंड मदर बहुत ब्यूटीफुल होवे, लाइन मारन आंदा होवे, कुछ पता नहीं भी। मैं बड़ा हैरान हुंदा सी वी साडे घरे ही चार बजे विद्या सागर क्यों आंदा है। वह कहिंदा मैं अंग्रेजा दे जमाने दा जई, असीं जो छोटे हुंदे सी सर, कई साल पुरानी गल है, तो वह अंग्रेजा दे जमाने दा जूनियर इंजीनियर हुंदा सी। तो मैनूं कहिंदा जदों मैं नौवीं च पहुंचिया, मैनूं कहिंदा हू गेव दी लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं कहा जी रुलदा सर। कहिंदा तो मास्टर है। मैं कहा जी उन्हें समझाया सी, मास्टर रुलदू राम, सरकारी स्कूल गवर्नमेंट सर स्कूल च पढ़िया मैं पकड़ाना, राजपुरे सरहंद तो थोड़ा जिहा अगे जाके जिथे वो अजकल पेट्रोल पंप ते बनया हुआ हवेली। कहिंदा रुलदे ने नहीं दिता, न्यूटन ने दिता। किने दिता? न्यूटन। हथ खड़ा करो न्यूटन का नाम लैके, किन्ने किन्ने नूं पता है भी लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन ने दिता है। एड लंबे सारे हाथ खड़ा करो, एडा वड्डा, यस वेरी गुड। हुण मैं जदों नौवीं च पढ़दा सी, मैनूं क्वेश्चन आ गया हू गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं लिखता जी न्यूटन। मैडम ने भी सही करता, मेरे नंबर आ गए। जदों मैं प्लस वन च गया तो उदों मैनूं क्वेश्चन पूछा हू गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया, साडे सर सुरेंद्र लाल सर हू इज़ ऑथर ऑफ प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स। इफ यू गो टू माई इंटरनेट प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स, तो वह मेरे सर का मैसेज मिलेगा। तुसी चाह दे टाइम सर्च मारना, थोड़ा जहा छानबीन तुम पता तो लगे कौन आया। वो ना पहले मैंने कहते भी अलाउड नहीं है, तुम कुर्ता पा के जा रहे हो। मैं क्या मैं तो पजामा भी पा के जाऊँगा, फिर मैं पेंट पा ही लती। ऐसा तो कुछ नहीं भी कुर्ता पा के आना अलाउड नहीं है सर, नहीं ना, कोई ऐसा प्रोटोकॉल तो नहीं है सर। मैं लिखता बीबा न्यूट, मतलब सर ने पूछा हू गिव द लॉ ऑफ इनर्शिया, विद्या सागर दी सौ आइजक न्यूटन। कहना रॉन्ग आंसर गैलीलियो। ए सारे यही बोलते हैं बट गैलीलियो ने दिता। जो विद्या सागर आया ना, मैं कहा तू भज जा, तू वो विद्या सागर है जिसे विद्या की एक बूंद नहीं, हाले तू मेरी बेइज्जती कराती अज। तो सेम वे वेन अवर यू हैव टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू द चिल्ड्रन, इट शुड बी एक्यूरेट। इफ यू डोंट नो, सर ने कहा ना चौड़ी छाती वीर की, तो चौड़ी छाती होनी चाहिए है कि मैनू नहीं आता जी, आई डोंट नो। बच्चा क्वेश्चन पूछे आई डोंट नो। मैं एक स्कूल च गया हिमाचल की गल है, तो उत्थे प्रिंसीपल सीगा संस्कृत का, मैनू कहिंदा आप क्या हो, मैं कहा जी मैं ऐसे ऐसे फिजिक्स, भौतिक फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं कहा भौतिक विज्ञान। कहता ये बताओ शशांक और धरती के बीच का दूरी कितनी है। हुण मैनू शशांक समझ आ गया, इन्नी कि तो नॉलेज है चंद्रमा, धरती तो चंद्रमा से दूरी कितनी है। हुण जे कोई मैनू पूछ ले ढींडसा ते पटियाला की दूरी कितनी है, 56 किलोमीटर 60 किलोमीटर, जे उलझ जाओ भैन जी, जे उलझ जाओ फिर 70 भी हो सकती है, मैं तो 85 करके आया। ओके सर दलीप सर नूं तरक्की दवा दिओ, हुण उन्हें मैनू लैके आया इत्थे। अगे एक दी गल दसदा है, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट, इन्हें जो कोई पेरेंट्स आ गए तो गूगल भाभी जिंदाबाद, मैं गूगल देखा अर्थ और मून का डिस्टेंस 66110 किलोमीटर। मैं क्या नहीं है, कहना आपका ज्ञान बड़ा है, दिस इज नॉट नॉलेज, दिस इज एन इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट नॉलेज, दिस इज एन इंफॉर्मेशन। व्हेन यू हैव टू टीच ए चाइल्ड यू मस्ट फाइंड द चाइल्ड साइकोलॉजी। इफेक्टिव टीचिंग से डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी पॉइंट, लिख लो। सो डियर टीचर्स, यू गॉट एन आइडिया ऑफ मॉन्टेसरी, यू गॉट एन आइडिया ऑफ शेप्स, यू गॉट एन आइडिया ऑफ चौड़ी छाती वीरों की। हुन मैं आप जी नूं, सब तो पहला मेरे तो कई सीनियर भी ने इत्थे बैठे, मैं उन्होंने कोटि कोटि नमन करना है। तो वो जरूर अपने नॉलेज नूं वधाउण ताईं फैले विद्या चानन होएगी, नहीं तो नाल ही लै जाणगे ओ, उहदा की फायदा, वो 6 फुट बाय 4 फुट च नाल ही जल गई संस्कार दे विच। तां आपां ने फैलानी है नॉलेज। मैं ना मतलब एक दे घरे गया, उहदे घरे कैलेंडर देखिया,
क्या देखा? कैलेंडर देखा, राइट? ओ कैलेंडर, मैं ना पुरानी चीज़ां बहुत इकट्ठी करता है। मैं किसी भी स्कूल जाना है, ये अकाल अकैडमी किली का चोरी किया होया, वो अकाल अकैडमी जालन कलां का जलंधर तो थोड़े कोल भी होया, दे दियो एक। और खास गल है अकाल अकैडमी ने सारे अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI दी है। एक कैलेंडर ना लोगों के घर लग्या होंगे, थोड़े भी अपने, मैं भी लोगों से ही आना, मेरे भी घर लग्या होया। सब तो पहला वाहेगुरु जी, आप कैलेंडर जो आता है छुट्टियाँ देखते हैं कि है ना, ओ भी आप करते हैं, आप चलेंगे हेमकुंड साहब, 14 का संडे है, 13 का सैकेंड सैटरडे है, छुट्टी होगी, 12 गुरपर्व है, तो 11 वो है अपना पाठ रखना। चलो 11 तो मैं 11 बजे तो बाद वेला हो जाऊँगा, 11 चल के 12 13 14 15 जो कुछ हो जाए तो मज़े आ जाए, क्योंकि 16 की फिर छुट्टी है। किन्ने लोग कैलेंडर इस तरह देखते दे, हाथ खड़ा करो। मैं पहला कहते जो झूठ बोलोगे तो फिर माड़ी गल, आप अज सौ खा, मैं बहुत कुछ नहीं आता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी, इस तो बाद ना धोबी का हिसाब कि कल नू कल 15 कपड़े दते सी, तो 13 आए ने, 2 रह गए, वो 2 कितने गए? वो जी तुसी गिल्ली देते से जी, वो फिर सुकाने पाए। अच्छा, दुध वाले का हिसाब, वो कहेगा जी 62 किलो होया, नहीं 3 दिन असी बाहर गए सी, 62 तो 9 किलो घटा दे, 53 किलो होया। फिर होर भी बड़िया चीज़ा लिख देंगे ने कैलेंडर ते, सिलेंडर, यस सिलेंडर कदों धरिया सी, रखिया सी। असी कैलेंडर देखते दे हुए भी कैलेंडर नू देखना नहीं चाहते। किसी पंडित जी नू दिखा दो, बेटा ये आपका अषाढ़ शुक्ल द्वितीय है, आज चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है और आपकी राशि है मकर, धन आने का चांस है, आपका दिन शुभ हो। पंडित जी ने कहना आज अमस्या है, आज तुसी खिचड़ी दान कर दो। गुरुद्वारा साहब संग्रांद है, आज संग्रांद दा पाठ होएगा। असी कैलेंडर देखते दे हुए भी नहीं देखते दे। हाँ या ना, थोनू किवें पता है? तुसी उयो गर्दन मारती, यही है होर तो कुछ नहीं, कैलेंडर च कुछ होर तो नहीं मैम, कुछ है और। मैं आई टेक दी हेल्प ऑफ यू मैम, जेड़े आए ने, आज 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 फटाफट जल्दी। तुहाडे कोल भी पे है, इन्होंने ना मैनू लिख के देना भी वर्कशॉप बहुत वधिया सी, इन्हां नू नाल लै लो। अच्छा मैडम जी, वाहेगुरु जी का खालसा। पहले तुसी अपने आप नू अपना परिचय दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज राजविंदर कौर, आई एम कम फ्रॉम अकाल अकैडमी रीटखेड़ी एंड आई टीच। शिविंदर मैम, यस सर, विवास सर, यस शिविंदर मैम, मेरी सत श्री अकाल बुलाया, विपिन सर आए सी। ओके सर, एंड आई टीच सेकंड और थर्ड ग्रेड। मैम ने मैंने कहना मिस्टर विपिन यू हैव रिफ्यूज्ड अस बट व्हाई डिड यू गो देयर, एदी बोल देना। तुम्हारा नाम है राज, ठीक है ठीक है, इन फड़ो। मैम नु भी सिखाना, विवास नु ज़्यादा स्पेशल सिखाना, ठीक है, क्योंकि विवाह भी लेट ही होया। थोड़ा अगे कर लो, पहले ना सारे खुल के बैटिंग करो धोनी की तरह। मैनू नवजोत सिंह सिद्धू वर्गे बंदे चाहिए, सीधा मुँह ते मारो, देखी जाएगी, चाहे पोलिटिकल कैरियर बर्बाद होंदा होवे, अपनी आदत नहीं छड्डनी। एक कैलेंडर है, 1 + 9 2 + 8 इसनू बोलते हैं 2x2 मैट्रिक्स। मैम देख लो, ठीक है कि नहीं, है ना? मैट्रिक्स पता किनू कहते बेटा, ये जिम्मे एक एलीमेंट, 2 एलीमेंट, 3 एलीमेंट, 4 एलीमेंट, इस 4 होए ना, ना हो सकता इस तुक्का लग गया हो। 15 + 23 22 + 16 हाउ इज इट? हो सकता है ये कोई मैं काला जादू टूना करता हो, चला ले आले पिंड पंडित तो लियो इन घुमा दिए। थोड़े रिलैक्स होके डरो ना, हूँ तुम मेरे को, मैम सारे बहुत वधिया ने। अच्छा
4 plus 12, 5 plus 11, 14 plus 22, 21 plus 15. How is it? Interesting. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਤ ਖੇੜੀ 'ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੀਤ ਖੇੜੀ ਦੇ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਆਪਾਂ 4x1 ਨਾ, ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਦਾ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸੋ ਬੋਲਡ। ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਦੇਣ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਏ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿਪਨ ਗੈਟ ਆਊਟ, ਲਾਂਬਾ ਮੈਮ ਕਹਿਣਗੇ ਵੈਲ ਸਾਰ ਯੂ। ਲਾਂਬਾ ਮੈਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂ ਆਰ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਟੂਡੇ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਠੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, 4, 11, 18, 25 ਕਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ? 4, 4, 5, 6, 7 4x4 1, 2, 3, 4 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ? 16। ਇਹ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬੋਲ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਠੀਕ। 4 and 28 ਯਾਰ ਕੈਸੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘਣਾ ਅੱਜ। 4 and 28, 25 and 7 ਵਾਓ, 5 and 27 26 and 6 ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ? ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਮੈਮ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਓਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੀਏ। ਖੜ ਜਾਓ ਜੀ 11 ਵਜੇ, 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ ਹਵਨਟ ਮਤਲਬ ਸਕਿਪ ਦ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਇਨ ਰੀਤ ਖੇੜੀ। ਨਾਓ 1, 8, 15, 22, 29 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਓ। 1, 8, 15, 22, 29 ਐਗਰੀਡ? ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 1 extreme 29 ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 8 plus 22 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 15। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮਿਡਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਵਰੇਜ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਔਸਤ 15। 2 plus 30, 23 and 9 32 ਦਾ ਮਿਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਐਵਰੇਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲਦਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਪਿੰਡ ਦਾਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਨੀਅਰ ਨਲਾਸ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਉਹ ਥਾਰ ਵਾਲੇ ਯਾਰ, ਜੱਟ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ, ਯੂ ਸਿੰਗ ਸੌਂਗ। ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਚਾਰ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਯੂ ਬਲੱਡੀ ਸਕਾਉਂਡਰਲ ਇੰਡੀਅਨ, ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਯੂ ਟੱਚ ਮਾਈ ਬੁੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਟ ਦ ਹੈਲ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਮੈਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੁੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਬਲੱਡੀ ਥੀਫ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਬੁੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਓ ਇਟਸ ਮਾਈ ਬੁੱਕ। ਜੱਜ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ,
जज साहब नू लाला हरदयाल कहिंदा इहनू पुछो पेज नंबर 26 ते की लिखिया होया, नहीं मैं दसदा। पेज नंबर 32 ते की लिखिया, मैं दसदा। तो ये धरती गुरुआं दी, ये धरती शहीदां दी, ये धरती जिहदे च ट्राली दे विचों जांदे जांदे जे किते बोरी चो कणक गिरदी होवे, झाड़ू नाल परे ना किती होवे, उत्तों दो तीन दिन मीह पै जाए उत्ते फसल उगाउंदी है, इहो जी उपजाऊ धरती। इत्थे साडा कल्चर कौन है? अमृता प्रीतम। साडा कल्चर कौन है? धनी राम चात्रिक। साडा कल्चर कौन है? नानक सिंह जी चिट्टा लहू। साडा कल्चर कौन है? बुल्ले शाह। साडा कल्चर कौन है? शिव बटालवी है जी। साडा कल्चर है हथियार थार, ये नहीं है साडा कल्चर। बाबा जी लो हार्वर्ड तो बाबा जी पढ़ के आए सके, ठीक है ना जी। तो साडा एक कल्चर है, तो असी उस कल्चर नू कितना किते गुआ बैठे हैं। ये साडी सब दी ड्यूटी बनती है, इफेक्टिव टीचिंग जे रिवाइविंग ऑफ पंजाब कल्चर। हाउज इट मैम? ये चीज़ जिहड़ी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलेंडर दे विच। हले दे विच एक रहस्य होर भी है, वो आपां डिस्कस करांगे आफ्टर टी ब्रेक, ठीक है मैम? क्योंकि चाह ठंडी हो जानी, इन्होंने मैंने फिर गुस्से हो। थैंक यू।